स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको नंबर लाइन दी गई है एंड द क्वेश्चन इज द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी आर ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड सच डैट टी आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस यू एंड ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये हमको गिवन है। And we have to find the rational number represented by P, Q, R, S. मतलब कि क्या हमें ये जो नंबर लाइन दी गई है और हमें इसमें P, Q, R, S को रिप्रेजेंट करना है, बट कैसे? इन अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो बहुत ईजी है, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास गिवन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 यूनिट, ये 2 है ये 3 है, तो कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब देखो पॉइंट पी हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट पी 2 से ज़्यादा है 3 से कम है एंड पॉइंट पी फर्स्ट पॉइंट है और हमारे कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, तो 2 प्लस 1 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सो 2 प्लस 1 अपॉन 3। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 3। इन अ सेम वे अब हमको Q फाइंड करना है, तो देखो Q 2 से ज़्यादा है 3 से कम है और Q हमारा सेकेंड पॉइंट है और हमें फ्रैक्शनल के फॉर्म में करना है, तो 2 बाई 3, नीचे बाई 3 क्यों है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, तो Q क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 बाई 3। अब देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, सो Q आ जाएगा 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने P और Q फाइंड कर लिया, अब हमको R और S फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे आएगा हमारा बस माइनस, क्यों, क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में, R इक्वल्स टू, देखो R हमारा फर्स्ट पॉइंट है और माइनस 1 के लेफ्ट साइड में, सो माइनस 1 माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस 1 के लेफ्ट साइड में और R हमारा फर्स्ट पॉइंट, सो माइनस 1 अपॉन 3। तो देखो ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 3, बट किसका, माइनस का, सो माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखो माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड 3, सो माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है, एकदम इजी है। इन द सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड पॉइंट एस, पॉइंट एस इज द सेकेंड पोजिशन और माइनस 1 के लेफ्ट साइड में, तो क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस सेकेंड पोजिशन पे, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3। तो देखो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस था बस इधर माइनस है, तो 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3। तो देखो माइनस 3 माइनस 2 बाई 3, अभी माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी ऑफ माइनस, सो डेट विल बिकम माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव प्लॉटेड पी क्यू आर एस एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड इट इन अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, पी इक्वल्स टू 7 बाई 3, क्यू इक्वल्स टू 8 बाई 3, आर इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3 एंड एस इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 3। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 6।